देखिए पंकज, मेरा नजरिया ये है कि ये सभी राजनीतिक दल जो इस गठबंधन में साथ आए हैं, ये सब अपनी एक स्वतंत्र पहचान पहले से रखते हैं, चाहे उनकी ताकत जितनी भी। ये जिस वजह से साथ आए हैं वो वजह जो है इनकी अपनी जो भी स्वतंत्र अलग अलग पहचाने हैं उसको खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं। यानी ये गठबंधन है, कोई एक नई पार्टी बनके सबका इसमें विलय नहीं हो गया कि सब एक ही सुर में एक ही ताल में बोले। तो सबके अपने अपने निहित राजनीतिक गतिविधियां हैं, स्वार्थ हैं, है उनका एक पर्सपेक्टिव है। जाहिर सी बात है ये कई ऑड्स को जोड़ करके एक इवेंट बनाने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव जो कि आप कहिए कि इनके कंपटीटर हैं, खासतौर से बीजेपी वाले और उनके अब तो हम लोग इस ढंग से भी बोल सकते हैं कि उनके प्रशंसक और समर्थक मीडिया के लोग हैं, वो खबरों को इस ढंग से प्लांट और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये इकट्ठा तो जरूर हो गए हैं लेकिन ये ऑप्शन सेल्फ इंटरवल से मन। तो ये जब नैरेटिव आप बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप उस गठबंधन को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि साहब ये देखिए ये जो है सो भानुमति का कुंदा है, वो नेताओं की वो भाषा है, उस भाषा को स्टेबलाइज करने के लिए आप इस तरह की बातें कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इनका पहलू देखें, यानी इंडिया के नजरिए से चीजों को देखें, तो जैसा मैंने पहले बोला कि ये ऐसा नहीं है कि इन पार्टियों में आपस में सब एक हो गए हैं, जो जैसा मैंने बताया विलय हो गए। तो जाहिर सी बात है कि सीटों का बंटवारा हो, कहां कौन राज्य में किस राज्य में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनेगा, कहां नहीं बनेगा, कितना बनेगा, कैसा बनेगा, ये अगर हम इसे अंतर विरोध कहते हैं कि अंतर विरोध खत्म होने वाला नहीं, कतई नहीं है, कभी नहीं है। लेकिन क्या उन्हीं अंतर विरोधों के साथ ये लोग अपनी एक एकता दिखा सकते हैं? क्योंकि ये एकता, ध्यान रखिएगा, ये एकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है, सत्ता में आना तो किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य होना स्वाभाविक है, लेकिन ये एकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि हम कलेक्टिवली मिलकर के बीजेपी को या एनडीए को चुनौती देना चाहते हैं। तो पर्पस क्या है, जो कोर एजेंडा है इस गठबंधन का, वो कोर एजेंडा क्या करता है कि हमको कलेक्टिवली इनका मुकाबला करना, इनका सामना करना। दूसरी बात ये कि पहले दिन से अगर हम लोग ये मान के चले कि इनका जो इरादा है कि भाई एक सीट पे एक व्यक्ति हमारी तरफ से हो, इरादा तो यही है, इच्छा तो यही है, कितनी पूरी होगी नहीं होगी, क्या इस इच्छा में ये लोग शत प्रतिशत सफल होंगे, कोई नहीं कह सकता, ये खुद भी नहीं यकीन से कह सकते। तब सवाल ये है कि 543 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, क्या उसमें से आप 400 450 सीटों तक ही अगर ऐसी रजामंदी बना सकते हैं जिससे कि आपका ये ऑब्जेक्टिव जमीन पर कुछ असरदार दिखे, तब तो इस गठबंधन का कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। और ये बात जो मैं अभी कह रहा हूं ये क्या राजनीतिक दल के लोग नहीं जानते? खूब अच्छी तरह से जानते हैं, सबको मालूम है मेरा कम्बिनेशन फर्मेंटेशन क्या है, मेरी लिमिटेशन और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब कुछ जानने के बाद ये एक दूसरे के साथ आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि इनको इनका लक्ष्य तो साफ, लक्ष्य में कोई एम्बिग्यूटी। जब से ये गठबंधन बना है या जब से इसकी चर्चा होनी शुरू हुई है, तब से हम लोग लक्ष्य को लेकर के दिग्भ्रमित नहीं हो सकते। अब उस लक्ष्य में आपको 100 में से 100 मिलेंगे या 100 में से 70 मिलेंगे या 50 मिलेंगे, ये जाहिर सी बात है कि आप किस ढंग से लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं उससे निर्धारित होगा। अब जो अभी बात उठ रही थी फला फला नेता आएंगे फला नहीं आएंगे, देखो जी आपस में लड़ भिड़े उनके साथ ऐसा हो, ये सारे के सारे नैरेटिव वो हैं जो जानबूझ करके इनके खिलाफ फैलाए जा रहे हैं और फैलाने वाले वो लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन जिस ढंग से चीजों को इंटरप्रेट किया जा रहा है वो उसका सही सटीक इंटरप्रिटेशन नहीं है। बिल्कुल, उस इंटरप्रिटेशन में एक टिपिकल बायस, एक टिपिकल प्रिजुडिस दिख रहा है। जी राइट, तो उसकी वजह से होता क्या है पंकज, कि मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं आपका, उसकी वजह से होता ये है कि जो काउंटर नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, अब मिसाल के तौर पे देखिए, अगर काउंटर नैरेटिव हम देखें कि भाई अगर इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, खोखला है, ढकोसला है, तो वैसी स्थिति में ऐसी क्या मजबूरी आ गई एनडीए की कि आपने जो है वो फटाफट इनकी बैठक होती है और आप एनडीए की बैठक बुलाने लगते हैं।
आप अपना ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ और पावरलेस स्ट्रेंथलेस और दल जुड़ने लगे हैं। ये वो बातें हैं जो आपको जो ये बता रही हैं कि आप इसे संजीदगी से ही ले रहे हैं, खाली आप ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ढकोसला है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।